हेलो बच्चों, तो अब हम सीखेंगे एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना। तो सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है हमारा 2x2। कितना ऑर्डर है इसका? 2x2, यानी दो रोज हैं इसमें और दो कॉलम्स हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ रो कौन सी होती हैं और कॉलम कौन सी होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारी रो 1 और ये हो जाएगी हमारी रो 2। इसी तरीके से ये हमारा है कॉलम 1 और ये हो जाएगा हमारा कॉलम 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होता है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये निकालने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे इस मैट्रिक्स को, हमने मान लिया कोई भी मैट्रिक्स ए। अब हमें क्या निकालना है? ए मॉड। ये कैसे निकालते हैं? देखिए, आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है 1 से। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा? 3। बीच में लगाना है माइनस। 2 का मल्टीप्लाई करना है माइनस 1 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 5। अब देखिए प्लस का 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब जब ये प्लस 5 यानी कि जो ए मॉड है, यानी ए मॉड जो आया हमारा, ए डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको, तो ये जब हमारा आया 5 तो इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। जब ये 0 के इक्वल आ जाएगा ओनली तब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें लिखेंगे इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट यहां पे करने वाला है। तो इससे आगे देखते हैं, अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आप दोबारा से यहां लिख लीजिए या इसके नीचे लिख लेंगे और फिर हम इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं दोबारा से अगेन में। तो मान लीजिए ये है हमारा मैट्रिक्स 1 माइनस 1 2 एंड 3, तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। अब देखिए जो मैट्रिक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? A इज इक्वल्स टू आई ए के इक्वल। ठीक है, तो अब देखिए हम इसके सामने क्या लिखते हैं, हम इसके सामने लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? जिस ऑर्डर की हमारे पास में मैट्रिक्स दी है उसी ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें ले लेना होता है। जैसे मान लीजिए इसका ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? 1 0 0 1, और यहां आ जाएगा हमारे पास में A। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इस मैट्रिक्स को इसके इक्वल बनाना है। मतलब जैसे मान लीजिए यहां पे 2 है तो इसको हमें करना है कैसे भी 0 करना है, 3 है इसको हमें 1 करना है, माइनस 1 है इसको हमें 0 करना है, और इस 1 को हमें 1 ही रहने देना है। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है। अब सबसे पहले बात ही आती है इसको हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में यहां पर 2 है, आप जनरली ना यहां से स्टार्ट कीजिए, यानी इस वाले एलिमेंट को आप 0 बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बनता है तो आगे देखेंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी को करना है, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यहां से जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत इजीनेस होने वाली है। तो देखिए आपको इसको करना है 2, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है। तो आप ना हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं, एक मेथड होता है रो ऑपरेशन से, एक मेथड होता है कॉलम ऑपरेशन से। तो हम इसको रो ऑपरेशन से करेंगे, आप इसको कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। यदि आप कॉलम से करना स्टार्ट करें तो आप कॉलम से ही पूरे क्वेश्चन को करना है, रो से करना स्टार्ट करें तो आपको पूरे क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से ही करना है। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं रो ऑपरेशन से। तो सबसे पहले मुझे जब 2 को 0 बनाना है, ठीक है, अब देखो 2 को 0 मैं कैसे बना सकता हूं, तो ये हमारा होता है R1, ये ओवर हमारा होता है R2। तो देखिए R2 में ऑपरेशन लगाना है हमें, किसमें लगाना है? R2 में। तो R2 में क्या ऑपरेशन लगाएं कि ये 0 हो जाए? तो मैं इसको लिख सकता हूं R2 माइनस 2R1। देखिए 2 का मल्टीप्लाई यहां पे करके अगर यदि हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ये 0 बन जाएगा। तो ये हमने यहां पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये क्या आ जाएगा। तो अब देखिए जिसमें जिनमें हमारा ऑपरेशन नहीं लगा होता है उनको हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए रो 1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, रो 2 में ऑपरेशन लगा है, तो रो 1 के एलिमेंट को एज इट इज लिख दीजिए 1 माइनस 1 1 एंड 0। ठीक है, अब रो 2 में हमने ऑपरेशन लगाया है, तो देखिए सबसे पहले 2 में से 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है और घटा देना है, तो 0 में से सॉरी 2 में से 2 गया तो 0। इसमें देखिए कितना आएगा, तो यहां देखिए हमारा 3 है माइनस 2 और R1 की वैल्यू कितनी है इसमें? माइनस 1 है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस 2, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 5। ठीक है, ये हमारा 5 आ गया। अब यही कार्य आपको यहां पर भी करना है। तो देखिए R2 का एलिमेंट कितना है हमारा? 0 माइनस 2। R1 का एलिमेंट कितना है? यानी 1, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 1, तो R2 का एलिमेंट हो गया 1 माइनस 2 और R1 का एलिमेंट कितना है हमारा? 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1।
तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमें इसको क्या बनाना है, हमें इसको बनाना है वन। तो देखिए वन कैसे बनाएंगे, तो वन बनाने के लिए देखो यदि मैं आर टू में, यानी ये आर टू है हमारा, इसमें मैं वन अपॉन फाइव कर दूं, यानी फाइव का डिवाइड लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वन हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑपरेशन लगाएंगे आर टू टेंस टू वन अपॉन फाइव आर टू, ठीक है, वन अपॉन फाइव हमने यहाँ पे आर टू कर दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं इसका। ये हमने मैट्रिक्स बना ली और यहां पे लिख दिया हमने ए, ठीक है। अब देखिए जिनमें ऑपरेशन नहीं लगा उनको एज इट इज लिख देना है। तो देखिए आर वन में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो आर वन के एलिमेंट को ऐसे लिख दीजिए वन माइनस वन वन एंड जीरो। आर टू में ऑपरेशन है तो जीरो अपॉन फाइव जीरो ही रहेगा, फाइव अपॉन फाइव वन आ जाएगा, माइनस टू अपॉन फाइव हो जाएगा, ये फाइव का डिवाइड लगाने पर ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन फाइव। तो देखिए ये जीरो बन गया, ये वन बन गया। अब देखो इसको क्या बनाना है, हमें इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो कैसे बना सकते हैं हम, यदि देखिए आर वन और आर टू को मैं जोड़ दूं, ठीक है, आर वन आर टू को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वन और प्लस वन जीरो हो जाएगा और हमारा काम भी यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए जब जीरो इसमें ऐड होगा तो इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें ये वन ही लाना है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, आर वन में ऑपरेशन लगाया आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है, हमने आर वन और आर टू को ऐड कर दिया। तो देखिए अब क्या आ जाएगा, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो ये मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स है और इसको मैं लिख लेता हूं छोटा छोटा ए, आर वन में आर टू को मैं ऐड करना है। तो देखिए वन में जब जीरो ऐड किया मैंने तो वन ही रहेगा, वन और माइनस वन जीरो हो जाएगा, इनको हम एज इट इज लिख सकते हैं, तो ये जीरो रहेगा, ये वन रहेगा, ये माइनस टू अपॉन फाइव रहेगा और ये इसको ऐसे एज इट इज लिख दिए वन अपॉन फाइव, ये दोनों एलिमेंट हमारे चेंज हो जाएंगे। तो देखिए आर वन आर टू को कैसे जोड़ेंगे, वन माइनस टू अपॉन फाइव एलसीएम ले लीजिए फाइव आ जाएगा, वन का डिवाइड फाइव में गया तो ये फाइव आ गया, माइनस फाइव बन जा फाइव, तो ये आ गया हमारा थ्री अपॉन फाइव। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप थ्री अपॉन फाइव। नेक्स्ट देखिए तो जीरो में जब वन अपॉन फाइव को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वन अपॉन फाइव ही आ जाएगा, तो यहाँ आ गया हमारा वन अपॉन फाइव। तो देखिए हमारा इनवर्स क्या आ गया, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ए इनवर्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये हमारा यहां पे इनवर्स आ चुका है, तो ये आ गई हमारी वैल्यू थ्री अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव माइनस टू अपॉन फाइव एंड वन अपॉन फाइव। तो ये हमारा यहां पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स को सॉल्व करना सीखेंगे, हम बहुत सारी ट्रिक्स को भी उसमें देखने वाले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।